नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन शैली, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ये न केवल महानगरों बल्कि गांव और कस्बों में रहने वाले हर व्यक्ति से सरोकार रखती है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि हम आज आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं। अपने कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा के सोनीपत में आयोजित अपनी ही तरह का अनूठा और अद्भुत ग्रामीण मैराथन की एक झलक, साथ ही सफलतम किसानों की सफलता के मूल मंत्र पर आधारित एक फिल्म, हमारा पशुधन में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर एक खास रिपोर्ट, और साथ ही किसानों और खेती से जुड़ी कुछ नई गतिविधियों से भी आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। खेती में अधिक उत्पादन के लिए हम नई विधियों का प्रयोग करते हैं, अच्छी किस्मों और अच्छी नस्लों का चुनाव करते हैं, संस्थानों में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं, विशेषज्ञों की सलाह पर चलते हैं, यानी हर वो काम करते हैं जिससे हमें खेती किसानी में उत्पादन भी अच्छा मिल सके और साथ ही मुनाफा भी बेहतर हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य और अपने पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहें। हरियाणा के सोनीपत में हाल ही में ग्रामीण मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें हर आयु के व्यक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए इसी पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। हरियाणा राज्य का सोनीपत जिला खेती किसानी के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के नवोन्मेषी किसानों ने न केवल खेती को नई दिशा दी है बल्कि युवाओं ने भी खेल कूद के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। अब ये एक कदम आगे सामाजिक सरोकारों पर नए संदेश के साथ चौपाल मैराथन के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने का बेहद सराहनीय कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों चौपाल नामक संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बैयापुर तक का छठी मैराथन सफलतापूर्वक आयोजित की गई। मैराथन का संदेश था स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन शैली। देखिए, चौपाल मैराथन जो आज हुई, तो आपने जैसे जर्सी पे देखा होगा, तो उसका जो उद्देश्य है मैराथन का वो है स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन शैली। स्वच्छ वातावरण बहुत जरूरी है एक जीवन को रखने के लिए, और उस वातावरण में आज के दिन बड़े बड़े शहरों में सांस लेने के लिए सब तिराई तिराई हो रही है। तो चौपाल ने इस मुद्दे को उठाया, जैसे कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छी चाहिए, उसी तरह शरीर की इंटरनल एनवायरनमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। और इंटरनल एनवायरनमेंट आप कैसे करोगे, उसके लिए एक स्वस्थ जीवन शैली आपकी होनी चाहिए। जीवन शैली का मतलब किस तरह का खाना खाना है, खाने में ज़्यादा घी तेल का और मिठाई का इस्तेमाल ना करें, अपना वजन ना बढ़ने दें, क्योंकि इससे फिर ऐसी बीमारियां, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, हार्ट, स्ट्रोक, ये सब, और धूम्रपान, शराब का निषेध, ये सब चीज़ें। मैं चाहूँगा मेरे अपने ग्रामवासियों को इस मैराथन के द्वारा कि उनको एक समाचार मिले, उनको एक मैसेज मिले कि वो कैसे हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को जोड़ते हुए अपनी सेहत, आप ठीक रहेंगे, समाज ठीक रहेगा, सरकार का पैसा बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा तो वो पैसा हम और चीज़ों के लिए अपने बच्चों को गांव पानी के लिए दे सकते हैं, अपने उसके लिए स्कूलों के लिए दे सकते हैं और कॉलेजेस और पढ़ाई के लिए दे सकते हैं पैसा जो बचेगा उससे। मैराथन में विभिन्न स्थानों से आए लगभग 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सोनीपत जिले में बैयापुर गांव में आयोजित अपनी तरह के अद्वितीय मैराथन में समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। जहां एक ओर बच्चों में प्रतिस्पर्धा में विजयी होने को लेकर उत्साह था, तो वहीं बुजुर्ग भी पीछे नहीं थे। उन्हें इस मैराथन का हिस्सा बनकर जीतने के साथ साथ सामाजिक संदेश और सामाजिक जागरूकता के प्रति अपने योगदान के लिए भी संतोष था। जैसा कि आप और मैं सब जानते हैं
कि जो हमारी हेल्थ की सेवाएं हैं वो ज़्यादातर शहरों के अंदर है, पर भारत की जो ज़्यादातर आबादी है वो गांव के अंदर है, तो वो सेवाएं जो गांव के लोगों तक नॉर्मली नहीं पहुंच पाती है, वो बड़ी बड़ी सेवाएं, चाहे वो फिर एक एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन, या फिर लैब टेस्ट जैसे इन्फेक्शन, जैसे डेंगू का टेस्ट, टाइफाइड का टेस्ट, जो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो लोगों के द्वार तक लेकर आने का काम जो है वो चौपाल ने किया है। चौपाल ने बैयापुर के अंदर, बैयापुर गांव के अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया है, और इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम म्यूनिसिपल हॉस्पिटल की फीस से भी एक नाममात्र शुल्क में रोज़ के 100 से भी ज़्यादा मरीज देखते हैं। और ये मरीज़ हर तरीके के मरीज़ होते हैं, चाहे मेडिसिन के हों, चाहे हड्डी के हों, तो हमारे पास हर तरीके के डॉक्टर वहाँ पर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं, और हम ना केवल मरीज़ को वहाँ पर देखते हैं, हम उन्हें दवाइयाँ भी देते हैं, और वहाँ पर उनकी जाँचें भी, जो जाँचें आज शहरों में हज़ारों रुपये में होती हैं, वही जाँचें हम एक नामात्र शुल्क में मरीजों की हम करते हैं, और एक्सरे भी करते हैं। ये एक सपना है डॉक्टर टोंग का कि जब गांव स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। मैं अमित सरोहा पैरा ओलंपियन, पैरा एथलीट हूं और देश के लिए खेलता हूं, और चौपाल संस्था पिछले 6 साल से मैराथन का आयोजन कर रही है, और इस बार हमने पर्यावरण को लिया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्मोक चला हुआ है। मेरे साथी खिलाड़ी यहाँ आए, इन्होंने यंग एथलीट का मार्गदर्शन किया, मोटिवेट किया, अजय ठाकुर जी, रजत चौहान, नितिन, हमारे कोचेज रामेर जी, बलवान जी, आरएस खोखर जी, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, हमारे एथलीट ने सपोर्ट किया, यहाँ आके सबकी बात सुनी, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल मैराथन निश्चित ही स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन शैली के संदेश को लोगों तक पहुंचाने में सराहनीय प्रयास रहा। तो अभी आपने देखी ग्रामीण मैराथन पर एक विशेष रिपोर्ट के साथ। साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से गुरुवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। तो आज हम एक नए विषय क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। आइए इसमें जानते हैं दुग्ध उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन हाउस के बारे में। भारत में डेयरी पशुओं को ज्यादातर खाद्यान्न फसलों के अवशेष और कृषि औद्योगिक सह उत्पाद खिलाए जाते हैं, जिनमें अनाज और हरे चारे की मात्रा या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। दुधारू पशुओं के आहार में मुख्यतः चोकर, खली, चुन्नी एवं अन्य कृषि सह उत्पादों का उपयोग किया जाता है। हालांकि भारत के हरे चारे के उत्पादन क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज और तिलहन की खेती से मिले सह उत्पादों में वृद्धि के कारण दूध उत्पादन प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि भारत की दूध उत्पादन प्रणाली गहन डेयरी उत्पादन प्रणाली की तरह मनुष्यों के लिए खाद्य उत्पादन में प्रयोग होने वाली भूमि और जल संसाधनों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। दूध का कार्बन फुटप्रिंट पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का एक माप है, जो कि प्रति इकाई दूध के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मापी गई ग्रीन हाउस गैसों GHG की मात्रा से संबंधित है। भारत की फसल अवशेष आधारित दूध उत्पादन प्रणाली के कम कार्बन फुटप्रिंट का मुख्य कारण है पशुओं के आहार में प्रचुर मात्रा में अनाज और हरे चारे का न होना, जिनके उत्पादन के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आहार सामग्री के प्रसंस्करण और कृषि में मशीनरी का प्रयोग बहुत कम है, जिनमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसलिए चारा उत्पादन, चारा कटाई, पशुओं के लिए चारा वितरण, गोबर संग्रह, दूध दुहने इत्यादि में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा बहुत कम है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि गायों और भैंसों को संतुलित आहार खिलाने से दूध के कार्बन फुटप्रिंट में उल्लेखनीय कमी आई है। दुग्ध उत्पादन हेतु कार्बन फुटप्रिंट में कमी होने का मुख्य कारण है दूध पैदा करने हेतु पशुओं को संतुलित आहार खिलाने से उनकी आंतरिक किण्वीकरण प्रक्रिया द्वारा कम मात्रा में मीथेन उत्सर्जन होना, दूध रूपांतरण क्षमता में सुधार होना तथा मल मूत्र से नाइट्रस ऑक्साइड का कम उत्सर्जन होना। विभिन्न राज्यों में ज्यादा दूध उत्पादकों तक पहुंचने के लिए एनडीडीबी ने एक एंड्रॉइड आधारित एप्लीकेशन पशु पोषण भी विकसित किया है, जिसके माध्यम से दूध उत्पादक अपने पशु के लिए संतुलित आहार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस छोटी सी पहल से इस कार्यक्रम का लाभ काफी दूध उत्पादकों तक पहुंचने की संभावना है। भारत की छोटी जोत वाली मिश्रित फसल पशुधन उत्पादन प्रणाली पर्यावरण को सबसे कम प्रभावित करने वाली उत्पादन प्रणालियों में से एक है और आहार संतुलन कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन उत्पादकता में और अधिक सुधार लाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने में बेंचमार्क का काम करेगा। भारत की दुग्ध उत्पादन प्रणाली किसान और प्रकृति के अनुकूल है। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या कहता है। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनेला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। किसान साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान साथियों, हर वो व्यक्ति जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सोच रखता है वो व्यक्ति लोकप्रियता और सम्मान अर्जित करता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर मिश्र जी से, जो कि वनौषधियों की खेती को समाज और आयुर्वेद के लिए समर्पित करते हैं। इन अद्भुत नायकों की लंबी फहरिस्त में ऐसा ही एक नाम है चंद्रशेखर मिश्र का, जिन्होंने अपनी अलग सोच और नजरिए से कृषि जगत में अपनी एक विशेष पहचान अंकित करवाई है। गांव में सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष बेरोजगारी जो है उत्पन्न हुई है। लोग पढ़ने के बावजूद भी जो है अच्छी सर्विस न पाकर हताश हो जाते हैं, तो बेरोजगार होते थे। इसलिए मैंने सोचा कि गांव में बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम अपने कृषिकरण की तरफ जो है लौटें। जहां आज के युग में ज्यादातर युवा शिक्षा हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर,
पायलट, एस्ट्रोनॉट या फिर आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाने के सपने देखते हैं, तो वहीं कुछ शिक्षित व्यक्ति भी हैं जो सफल व्यवसायों को छोड़कर कृषिकरण को अपना रहे हैं। औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सन 2004 में चंद्रशेखर ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। हमने एक अपना नेटवर्क बनाया, उसका नाम रखा है चैम्प, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मिशन किसानों को कृषि औषधियों की खेती के फायदों के बारे में बताना है। खेती की क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी वनौषधि किस जलवायु में पैदा होती है, कौन सी वनौषधि जो है किस मिट्टी में पैदा होती है, कौन सी वनौषधि किस समय पैदा होती है। इस संस्था के चेयरमैन राजा रामलाल त्रिपाठी हैं और चंद्रशेखर स्वयं इस संस्था के कन्वीनर हैं, जिसके जरिए वो पूरे देश में सम्मेलन आयोजित कर किसानों को वनौषधियों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। बनारस के आसपास, हमारे गांव के आसपास, यहां भी लगभग 500 लोग जो है हमारे आसपास के जिलों में जो है, हर जिले में जो है 25, 50, 60 किसान जो है हमारे साथ जुड़कर इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए www.canf.org नाम की एक वेबसाइट भी बना रखी है, जिसके जरिए हजारों किसान आज उनसे जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने अपना वेबसाइट www.canf.org का निर्माण किया और फिर पूरे देश में लोग हमसे जुड़ते गए और हम लोग इस काम को आज सफलतापूर्वक कर रहे हैं। चंद्रशेखर से जुड़कर अब तक कई किसान औषधियों की खेती में जुट चुके हैं, जिससे उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो गया है, और जब भी उन्हें किसी सलाह की जरूरत होती है तो वो चंद्रशेखर मिश्र से सबसे पहले संपर्क करते हैं। आज आसपास के सभी जिलों के करीब 500 किसान चंद्रशेखर के साथ जुड़कर कामयाबी की राह पर आगे बढ़ चले हैं और उनकी तादाद में निरंतर वृद्धि हो रही है। कहीं से बीज मंगाना होता है, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया में हैं, ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ मतलब इंफॉर्मेशन की ऐसी सुविधा नहीं है, तो मिश्रा जी जहाँ बीज उज का हम लोग कहते थे कि इसका बीज, जैसे मान लीजिए सब सर्वगंधा का, कलमे का बीज कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, तो इसका पता लगाते थे, फिर उपलब्ध कराते थे। तो कल्टिवेशन के बाद मार्केटिंग में भी ये हेल्प करते थे, कौन व्यापारी कहाँ खरीदने वाला है, कौन दवा की कंपनी है, फिर मार्केटिंग में भी सहयोग होता था। चंद्रशेखर मिश्र उन किसानों को जो औषधियों की खेती करने के इच्छुक हैं, ये सलाह देते हैं कि वो पहले खेत की मिट्टी की प्रकृति को समझकर ये पता लगाएं कि कौन सी वनौषधि उस मिट्टी में उपजने के लिए उपयुक्त है। उन किसानों के लिए सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि पहले तो खेत को समझें, मिट्टी की प्रकृति को जानें कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है और हम इस मिट्टी में कौन सी वनौषधि उगा सकते हैं, और फिर इंटरक्रॉपिंग करें, यानी साग सब्जी के साथ औषधि को लगाएं, क्योंकि कई औषधियां 2 महीने तो कई औषधियां 4 महीने और कई तो साल भर में तैयार होती हैं। तो सहवर्ती फसल करने से क्या होता है कि हमको एक एक दो दो तीन तीन महीने पर अपने खर्चे को मीट आउट करने के लिए साग सब्जी भी हम उसके अंदर लगा देते हैं, उससे हमारे सारे खर्चे मीट आउट हो जाते हैं और वनौषधियाँ जो होती हैं वो नेट प्रॉफिट में हमारे पास बच जाती हैं। चंद्रशेखर किताबों से पढ़कर तथा आयुर्वेद के सलाहकारों से संपर्क कर औषधियों के बारे में अपनी जानकारी को लगातार बढ़ाते रहते हैं, ताकि वो और अधिक प्रकार की औषधियाँ उपजा सकें, जिससे अधिक से अधिक बीमारियों के उपचार हो सकते हैं। उपयोग के बारे में जो भी हमारे शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, भाव प्रकाश निर्घंटूक हैं, तमाम हम लोगों ने अध्ययन अध्यापन का काम शुरू किया। इतना ही नहीं, वे आयुष मंत्रालय के साथ भी जुड़कर कई उपयोगी जानकारियां हासिल कर किसानों को बताते हैं कि कौन सी औषधि किस बीमारी में इस्तेमाल होती है और पौधे का कौन सा भाग औषधि के रूप में काम आता है और उसका उत्पादन कैसे किया जाता है। हम लोग आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो है उगाने में जो दिक्कतें आ रही हैं किसानों को, उनके लिए हेल्प पहुंचाने के लिए आयुष के साथ संपर्क में हैं, उनके साथ मिलकर हम किसानों का हेल्प करते हैं। इसके साथ हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ के संकाय प्रमुख के साथ बैठकर, यहाँ के पशुधन डिपार्टमेंट के साथ बैठकर, यहाँ की फार्मेसी के साथ बैठकर, यहाँ की जो आईटी की फार्मेसी है उन लोगों के साथ बैठकर हम लोग उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके किसानों को प्रसंस्करण
और विपणन के बारे में जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। इन सभी जानकारियों को औषधियों की खेती करने वाले किसानों के खेतों पर सम्मेलन आयोजित कर अपने साथी किसानों के साथ वो साझा करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वो ICAR यानी वेजिटेबल ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। वेजिटेबल के साथ वनौषधियों को मिलाकर उसका प्रोडक्ट बनाना, इसलिए हम लोग सीधे वेजिटेबल ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर और अधिकारी चंद्रशेखर जी द्वारा मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्शन में बड़ा योगदान देने और अपने साथ में किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ने के लिए उनके प्रयासों की लगातार सराहना करते हैं। साथ ही वो उन्हें औषधियों से जुड़ी जानकारी देकर और अधिक औषधियों के उत्पादन के लिए भी प्रेरित करते हैं। चंद्रशेखर मिश्र द्वारा कृषि जगत में दिए जा रहे उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार उन्हें कई बार सम्मानित भी कर चुकी है। स्वर्गीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने जो है हमारे फार्म को जाकर बस्तर छत्तीसगढ़, जहां मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, उस पर उन्होंने विजिट किया। महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी ने हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। चंद्रशेखर जी को मिले ये ढेरों पुरस्कार और सम्मान गवाह हैं कि उनका ये योगदान कृषि व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए कितना आवश्यक और प्रभावशाली है। 2020 तक जो हम लोगों का अपना मिशन है कि हम लोग अपने पैर पर जो है अपने संसाधन से खड़े हो जाएंगे, हम लोग किसी मंत्रालय के तरफ किसी भी अधिकारी के तरफ हमको दया की दृष्टि से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने मेहनत से अपने कर्मों से जो है हम उस मिशन 2020 को प्राप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा बदस्तूर बना रहेगा और औषधि उत्पादन में वो कई और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर कृषिकरण को विकास, उन्नति और विस्तार के नए नए आयाम देते रहेंगे, जिससे न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेदिक औषधियों और आयुर्वेद को अपनाकर सभी निरोगी हो स्वस्थ बने। किसान साथियों, हमारे आज के कार्यक्रम गांव किसान के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।